अब आजकल तो बड़ा सरल रोड अच्छी बन गई, हाईवे बन गया है ना। बोले चार घंटे का तो वृंदावन है ही क्या है। अब वृंदावन भी चार घंटे का हो गया। नहीं, वो ब्रज क्या है, ब्रज की महिमा क्या है, उसका भाव क्या है, उसमें प्रवेश पाओ तब आपको समझ में आएगा प्रेम, फिर आपको आनंद आएगा भागवत में। तब सुखदेव के मुख से जो निकली हुई भागवत है, सुखदेव के मुख में दो ही वाक्य निकलता था, राधे का या कृष्ण का, या तो बांके बिहारी या मेरी राधे, यही सुख के मुख से निकला है। और प्रेम की गाथा, प्रेम की लीला का दिग्दर्शन भागवत शास्त्र कराता है। बाबा को लाला से प्रेम है, प्रभु समझ गए नहीं जा पाएंगे, अपनी माया डाल दिए, बाबा वहां से चल पड़े, पहुंचे मथुरा, कंस को कर देते हैं। बसदेव जी को पता लगा नंद आए हैं। नंद और बसदेव दोनों भाई भाई हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। जबकि प्रश्न ये है कि एक चंद्रवंश में है कि यादव वंश में है, तो भाई भाई कैसे? तो जिनके दादाजी थे देवमीढ़, उनके दो रानियां थी, एक यादव वंश की एक चंद्रवंश की। चंद्रवंश की जो थी उनके सूरसेन, सूरसेन के बसदेव हुए, और जो यादव वंश की थी उनके परजन्य और परजन्य के नंद हुए, इसलिए दोनों भाई भाई हैं। बसदेव जी को पता चला मेरे भाई आए हुए मिलने के लिए आए। दोनों भाइयों का जब मिलन हुआ तो नंद शोक व्यक्त करने लगे, अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता, एकावशिष्टा वरजा कन्या शापि दिवंगता। अरे भैया, ये पापी कंस कितना क्रूर, कितना निर्दयी है, आपके निर्दोष छह छह बच्चों को मार दिया, सातवां गर्भ खंडित हो गया, आठवें में कन्या आई है उसको भी नहीं छोड़ा। बसदेव जी ने कहा देखो भाई, जो होना था हो गया, गतेश्वर को न कर्तव्य छोड़ो, हमने सुना है आपके यहां बहुत सुंदर लाला आया है। जब लाला की बात आई मारे खुशी के उछल पड़े। देखो श्रोताओ, इस संसार में कोई भी व्यक्ति न कोई किसी के दुख से दुखी है और न कोई किसी के सुख से सुखी है। यहां का हर मानव अपने ही दुख से दुखी है और अपने ही सुख से सुखी है। जब आपके दुख से कोई दुखी होने वाला है ही नहीं है, आपके सुख से कोई सुखी होने वाला नहीं है, तो काहे को उसका दुख सुख सुनाते उसको। आपके जीवन में कोई दुख आए अपने गुरुदेव को सुनाओ, कन्हैया को सुनाओ, जो सुनेगा भी और दूर भी करेगा। संसारी सुन भी लेंगे तो दूर तो नहीं कर पाएंगे। बसदेव जी प्रसंग को पलट दिए, बाबा मारे खुशी को उछल पड़े। लेकिन एक काम करो, कंस को कर दे चुके ना। बोले हां, तो अब शीघ्रता के साथ वापस जाओ। क्यों? पता नहीं मेरे मन में अनिष्ट की आशंका हो रही है, कहीं कोई उत्पात न हो जाए। करो वही वार्षिको दत्तो राज्ये दृष्टा वयम च वहा नेहस्थे यम बहुतिथम संतुत्पाताश्च गोकुले। गोकुल में कहीं कोई उत्पात न हो जाए, अनिष्ट की आशंका सुनते ही घबरा गए, ये सत्यवादी है, कहीं कुछ हो गया तो क्या होगा। तो चल पड़े संकीर्तन करते हुए, आइए हम लोग भी लौटे मथुरा से, जहां मेरे बांके बिहारी लाल।
हमारे कन्हैया के रसिक भक्तों को कुछ ये संकीर्तन बहुत अच्छा लगता है। एक बार मुझसे कहीं कहा गया था किसी भक्त के द्वारा कि जहां मेरो बांके बिहारी लाल, तो हमने कहा अच्छी बात, तो आइए थोड़ा सा उस मस्ती का आनंद लें। जहां मेरो बांके बिहारी लाल, जय 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 श्री वृंदावन। जहां मेरो बांके बिहारी लाल, जय 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 श्री वृंदावन। जहां मेरो बांके बिहारी लाल, जय 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 श्री वृंदावन। जहां मेरो राधा वल्लभ लाल, जय जय श्री वृंदावन। जहां मेरो राधा वल्लभ लाल, जय जय श्री वृंदावन। जहां मेरो बिहारी लाल, जय 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 श्री वृंदावन। वृंदावन धाम को वास भलो, वृंदावन धाम को वास भलो। जहां पास बहे यमुना पटरानी, जो जन नाई के ध्यान धरे, वैकुंठ मिले तिनको रजधानी। वेद पुराण बखान करे, अरु संत मुनि जिनके मन मानी,
यमुना यमदूत ही टारत है, भव तारत है श्री राधिकराने। यमुना यमदूत ही टारत है, भव तारत है श्री राधिकरा। तो बाबा मथुरा से लौट के कहां जा रहे हैं बोलो? थक गए। जहां मेरे बांके बिहारी लाल जय 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 श्री वृंदावन। जहां मेरे बांके बिहारी लाल जय 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 श्री वृंदावन। जहां मेरे रमण बिहारी लाल जय 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 श्री वृंदावन। जहां मेरे विपिन बिहारी लाल जय 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 श्री वृंदावन। बाबा कंस को कर देकर वहां से चल पड़े। यहां कंस के द्वारा प्रेषित बालघातनी राक्षसी पूतना निर्दोष बच्चों का रक्तपान करती हुई गोकुल में प्रवेश की। पर एक बात ध्यान रखना, ब्रज के बाहर तो बच्चों को मारी है लेकिन ब्रज में बच्चों को नहीं मार पाई है। कन्हैया के आने के बाद पूतना ब्रज में किसी बच्चे को नहीं मार पाई है। अर्थात हमारे आपके जीवन में समस्या तभी तक जब तक कृष्ण नहीं है। कृष्ण की कृपा हो जाए तो कोई समस्या रह ही नहीं सकती, और कृष्ण की कृपा के लिए राधे की कृपा तो चाहिए। चाहे राधा रमण लाल जी हो और चाहे राधा वल्लभ लाल हो, पहले इनके मूल में राधे ही है, बगैर राधे के कुछ है नहीं। जीवन की आराधना, जीवन की साधना राधे। अपने जीवन की आराधना राधे को दे दो, कृष्ण अपने आप मिलेंगे, काहे की चिंता करते। भगवान बालकृष्ण प्रभु को मैया गोद में ली थी। पूतना बड़ा सुंदर श्रृंगार करके प्रवेश किया। ब्रजवासी देखी नहीं कौन आया कौन जाया। क्यों? अपने मस्ती में ऐसे मस्त हैं कृष्ण की मस्ती में कि उनको कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा। देखो भाई, जो जिस मस्ती मस्त होता वो कहीं भी जाए उसको वही दिखाई पड़ता है। कोई हाल मस्त कोई चाल मस्त। जो अलमस्त लोग होते हैं उनकी मस्ती अलग होती है कि नहीं? तो ब्रजवासियों की हमारे ऐसी मस्ती है कृष्ण के नाम की कि कृष्ण के अलावा कोई दिखाई नहीं पड़ा। कन्हैया देखे पूतना जी आ गए, आंख बंद कर ली। क्यों? ये भी भगवान की भक्त ही है। मार्ग थोड़ा संकल्प गलत हो गया इसलिए भगवान ऐसी लीला कर रहे हैं। संकल्प को पूर्ण करने के लिए प्रभु आंख बंद कर लिए। प्रभु का स्वभाव ही है महाराज भक्तों के संकल्प को पूर्ण करना। संकल्प कर लो दृढ़, विश्वास करके चल पड़ो, वो सफलता देता ही देता है। उसमें किसी प्रकार से कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई संदेह नहीं होता। नीचे भगवान आंख बंद कर लिए। पूतना जब प्रवेश की, आंख क्यों बंद किए? संतों का अपना अपना भाव, पर मूल रूप से राजा बलि की पुत्री है। भगवान जब वामन के रूप में राजा बलि की गिशाला में प्रवेश किए, भगवान के स्वरूप को देखकर मोहित हो गई। इतना सुंदर बालक मेरे पास होता, इस बालक को गोद में लेकर मैं दुग्धपान करवा। लेकिन विराट स्वरूप में जब प्रभु हुए तो उसने कहा मेरा बस चले तो मैं इस बालक को जहर देके मार दूं। प्रभु ने कहा जिसके पिता इतने बड़े दानी, बेटी नरक नहीं जाएगी। लेकिन संकल्प को पूर्ण करने के बाद तो गोद में लेने का संकल्प, दुग्धपान कराने का संकल्प और जहर देने का संकल्प, इसको पूर्ण करने के लिए ऐसी लीला हो रही है। पूतना जब पहुंची, ये यशोदा आती थी सत्कार के, भगवान अपनी माया डाले, ये यशोदा चली गई अंदर।
पूतना कृष्ण को गोद में लेके सोचती बड़ा सुंदर बालक है, इसको न मारू। फिर मन में भाव आया, मेरे महाराष्ट्र काल तो यही है, यदि मैं इसको मारती हूं तो महाराज मुझे कोई न कोई पद जरूर देंगे। व्यक्ति जो पाप करता है उसके मूल में लोभ है, पाप का बाप है लोभ। यद्यपि देखो एक बात ध्यान रखना, लोभ अच्छा भी है लोभ बुरा भी है, दोनों बात है। कहीं कहीं लोभ लाभदायक होता है, अपने प्रभु का के दर्शन का लोभ लाभदायक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कई भक्तों के अंदर लोभ है तो कोई बहाना मिले चलो वहां के बिहारी चलते हैं। यदि आप लोग महीने में एक बार भी बिहारी जी के चरणों में हाजिरी लगा रहे हो, जितना भी समय दे रहे हो अलग बात है, बड़ी कृपा है भगवान की। या तो कई ऐसे लोग जीवन बीत जाता है पहुंचते नहीं हैं, क्यों? इरादे रोज बनते हैं मगर बदल जाते हैं। वृंदावन वही पहुंचते हैं जिनको मेरे बांके बिहारी बुलाते हैं। जब तक बांके बिहारी नहीं बुलाएंगे तो पहुंचोगे नहीं। बड़ा भागी है वो लोग। अच्छा मुझे भी थोड़ा फायदा मिल गया है, आप सब लोगों से जुड़ के एक फायदा हो गया, कन्हैया के भक्तों से जुड़ गया तो मुझे भी फायदा हो गया, मुझे भी वृंदावन जाने का अवसर मिल जाता है। क्यों आप लोग जाते हो तो मुझे लगता है ये लोग जाते हैं कुछ मिलता होगा, चलो हम भी चलते हैं। तो दर्शन का लोभ ये होना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं। पूतना के अंदर आ गया लोभ पद का, इसका लोभ गलत था। भगवान ने कहा मुझे गोद में लेकर संसार का पद चाहती है, मैं वो पद दूंगा जो देवकी यशोदा को बाद में देना है। जय श्री कृष्ण को दुग्धपान कराने लगी, भगवान उसके अंगों को पकड़ के प्राण तो अपिवत, भगवान उसके प्राण खींचने लगे, चीखती है अरे कृष्ण मुझे छोड़। प्रभु ने कहा मैं जल्दी पकड़ता नहीं, पकड़ लू तो छोड़ता नहीं। लेके आकाश मार्ग भगवान उसके प्राण खींचे, कंस के बगीचे में ले जाकर उसका उद्धार कर दिए। जब वो कंस के बगीचे में गिरी तो सारे वृक्ष चकना चूर हो गए। और जब पूतना जी का शरीर कितना छोटा रहा होगा, आप लोग गुणा भाग लगा लेना, 16 कोस की बगीची थी कंस की, 16 कोस, कोस तो समझते हो ना कि नहीं, तो समझदार हो ऐसी बात, वजनदार हो या असरदार हो या समझदार हो या वफादार हो कौन ये अपने आप से पूछना थोड़ा है। सब में दार ही लगा अंत में, अब इसकी व्याख्या नहीं करूंगा आज, ये तो एक एक शब्द इतने विलक्षण है, ऐसे शब्द निकलते रहते, कई बार लगता है थोड़ा इन्हीं पर आनंद ले, पर नहीं सीधे कथानक में चलेंगे, चिंता नहीं करें। एक बात ध्यान रखना, आप कहीं भी हो लेकिन अंत में है दार, वफादार हो या बड़े तो बहुत समझदार है, ये बड़ा वफादार है, अरे महाराज ये वजनदार है, क्या मतलब होता है समझो, कभी थोड़ा सोचा करो आप लोग। आज जिसको हर महीना सत्संग मिलता हो, 15 दिन में 10 दिन मिलता हो, बड़ा भागी है। आप लोग तो इतने बड़ा भागी हो बाबा की, यहाँ 12 महीने कथाएं होती रहती है, बहुत अच्छी बात है। और अभी भी यहाँ एक ही कथा नहीं, एक और चल रही, बहुत अच्छी बात है, तो कन्हैया की कृपा है, कथा का आनंद लो। लेकिन कथा में जब बैठो तो कुछ उसमें से आपने देखा होगा, जब पक्षी घोंसला बनाता है तो वर्षा ऋतु में उसका घोंसला नष्ट हो जाता है, नष्ट होता है कि नहीं, भयानक तूफान आए बरसात आए तो घोंसला कई बार, जब वृक्ष टूट गया तो घोंसला। लेकिन थोड़ा इस बात को समझना आप लोग, पक्षी का घोंसला तो टूटा है लेकिन पक्षी का हौसला नहीं टूटा है।
पक्षी का घोंसला तो टूटा है पर पक्षी का हौसला नहीं टूटा है। अर्थात बरसात के बाद फिर वो एक एक तिनका जोड़ना शुरू करता है और तिनका जोड़ते जोड़ते सुंदर दिव्य घोंसला बना लेता है। आप लोग भी उसी प्रकार थे लेकिन माया की बरसात में ऐसे उलझ गए कि आपका जो घोंसला था परमात्मा के नाम का वो कहां चला गया कुछ पता नहीं है। लेकिन हौसला मत खो तो संत ऐसा तिनका देंगे एक एक शब्द का कि उसका संग्रह करोगे तो इतनी सुंदर पर्ण कुटी बनेगी कि उस कुटी में आपको राम सीता नजर आएंगे राधा कृष्ण नजर आएंगे आपका कल्याण हो जाएगा। ये है वो सूत्र, ये है वो सिद्धांत, ये है वो प्रसंग। कोस जहां बात चल रही थी कोस से कहां कहां चलेगा? 3 किलोमीटर का एक कोस होता है, कितने का? 3 किलोमीटर का। अब 16 कोस कितने का होगा पता लग गया? अब तो गुणा भाग कर लो, गुणा करने में बड़े होशियार हो, भाग लगाने में कमजोर हो। अच्छा आज क्या मानो गुणा ज्यादा लगाता भाग कम करता, जहां गुणा लगाए वहीं तो गुणा गणित गड़बड़ाता थोड़ा। तो चलो जहां हो ठीक है, अच्छी बात है। कंस की बगीची की जितने वृक्ष थे साहब के सब चकनाचूर हुए, ब्रजवासी गर्जना सुन के दौड़े। यहां कृष्ण के वियोग में यशोदा गोपियों की बड़ी दुर्गति हो गई, यशोदा व्यथित हुई, यहां वहां खोज रहे कृष्ण को, गर्जना सुन के दौड़े। जब गर्जना सुन के दौड़े देखिए विकराल राक्षसी पड़ी है उसके ऊपर कृष्ण क्रीड़ा कर रहे हैं। एक गोपी गई कृष्ण को लेके आई यशोदा के पास, मैया अरे कन्हैया श्री राम प्रभु कृपा से आपका लाला बच गया, खरोंच तक नहीं आई। मां कृष्ण को गले से लगा के बहुत रोई, हे प्रभु आपकी बड़ी कृपा मेरे लाल की रक्षा कर। उस मां को यह पता नहीं कि ये सबका महाकाल है, इसका कोई काल नहीं, लेकिन मां का यही तो भाव है। यशोदा कृष्ण को हमेशा बालक ही मानी है, सारा खेल भाव का होता है, श्रोताओं बाकी कुछ नहीं है। आपके घर में 4 पात्र हैं, चारों पात्र एक धातु से बने हैं, लेकिन आपने एक पात्र को पूजा के लिए रख दिया। ये पूजा का पात्र है, इसको छूना नहीं। और एक पात्र आपने रख लिया प्रसाद बनाने के लिए, और एक पात्र आपने रख लिया अतिथियों को खिलाने पिलाने के लिए। धातु वही है, सब कुछ वही है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सब कुछ वही है। अब आपका भाव जिस पात्र के प्रति पूजा का हो गया तो आप उस पात्र की पूजा करने लगे, जिस पात्र के प्रति आपके मन में भाव आया प्रसाद बनाने का तो उसमें प्रसाद बनाने लगे, ठीक है कि नहीं? जिस पात्र के प्रति, जैसे मान लो यहां जो प्लेटें लगी हैं 56 भोग में आज बड़ा सुंदर सजाया है, अच्छी बात है। अब ये प्लेट आपके मन में भाव आया कि भगवान के लिए भोग सजाना है तो ये पूजा के योग्य हो गए कि नहीं? इनका पूजन होगा। और कुछ प्लेट ऐसे भी होगी इसी धातु की बनी, बनाने वाला भी वही, धातु भी वही, कि लोग जूठा खा के फेंक देंगे। उसी प्रकार ये परमात्मा के बनाए सब पात्र हैं, आपके अंदर का भाव, ध्यान सुनना इस बात को, आपके अंदर का भाव जिस पात्र के लिए जैसा होगा वह पात्र आपको उसी रूप में मिलेगा और उसी रूप में आपका कल्याण करेगा। एकदम सरल करके समझा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बात बैठ जाए। पात्र भी वही है, आप भी वही हो, परमात्मा के बनाए सब मानव एक हैं। 5 तत्व से बना हुआ हर पुतला है, एक ही धातु के बने। हमारा आपका जो शरीर है
इसमें तत्व तो पांच है कि नहीं, पर धातु कितनी है पता है ना? नहीं पता तो अच्छी बात, ज्यादा जान के करोगे क्या? पांच तत्व का पुतला तो कहते हो, धातु कितनी है इसमें? सात। आज उसके व्याख्या का समय नहीं है, मुझे गिरिराजी चलना है, आप लोग ध्यान रखना, कभी स्वतंत्र विषय मिले तो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। आप जिस शरीर में बैठे हो तत्व है पांच, धातु है सात, और आपके जीवन में दिन भी है सात। ये भागवत है सप्ताह सात दिन की, रामचरितमानस के कांड भी सात है, आठवां नहीं है। भगवान के वैकुंठ के द्वार भी सात हैं, आठवां नहीं है। ये किससे संबंधित है? जिस धातु से आप बने हो। इस पर कभी प्रकाश भी लगता नहीं डाला हूं यहां, ये कभी बोला हूं पता ही ना होगा, पहले कहीं बोले कहीं तो कभी इस पर हम चर्चा करेंगे, छेड़ेंगे इस विषय, इसको विस्तार से बताएंगे। जिस शरीर में बैठे हो ना, सात धातु है, और गिरिराज जी भी सात कोष के, परिक्रमा सात कोष की, गिरिराज जी आने वालों। और यद्यपि वृंदावन की परिधि तो 20 कोष की बताई है, ब्रज 84 कोष, वृंदावन की परिधि 20 कोष, लेकिन वर्तमान में हम लोग जिसको देखते हैं, जिस वृंदावन को, वर्तमान की बात कर रहा हूं, वो तो इसकी छोड़ो, तो गिरिराज जी से वृंदावन की दूरी कितने कोस है? सात। मथुरा की दूरी सात, और बरसाना की भी दूरी है सात। कभी इन पर चिंतन करो, इसका आनंद लो, आपके समझ में आ जाएगी कौन कौन सी धातु आपके है अंदर विद्यमान है। लेकिन हम बस इतना जानते हैं पांच तत्व का पुतला, सात धातु के बारे में कभी सोचे ही नहीं, कभी चिंतन नहीं किया। ये सात कोष क्या है? सप्त ऋषियों का वर्णन, ऋषि तो बहुत हैं, पर सप्त ऋषि का ही वर्णन क्यों है? चिरजीवी तो वैसे आठ हैं, लेकिन सात का ही वर्णन क्यों आता है? अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविना, चिरजीवी भी सात ही क्यों? कभी इन विषयों पर बुद्धि लगाओ, दिमाग लगाओ तो अच्छा लगेगा, आपका भी कल्याण होगा। बुद्धि परमात्मा सबको दिया है, लेकिन हम बुद्धि लगाते हैं व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के प्रपंच में हम जितनी ऊर्जा खत्म कर देते हैं, लोगों के छिद्रान्वेषण में, लोगों की कमी देखने में उतनी ऊर्जा लगा ली होती इन बातों पर, तो आज आप इस प्रसंग को समझकर स्वयं में भागवत मैं बन गए होते। और विवाह का जो संबंध है प्रेम का ही तो प्रतीक होता है कि नहीं, तो फेरे कितने लगते हैं ये तो सबको याद होंगे। ये भी सात ही है, तो कभी देखो कन्हैया चाह उसकी इच्छा हुई और आप लोगों का भाव, छेड़ तो दिया हूं आज, पर यदि आप लोग जिज्ञासा कभी व्यक्त करोगे तो फिर मैं आप लोगों को इसी विषय पर, इसमें तीन चार घंटे का समय हो, तब मैं इस फरस को आप लोगों को दे सकता हूं। ये ऐसा विषय वस्तु है, बाकी तो ठीक है, कृष्ण कंस को मारे हैं सब, छोटा बच्चा भी जान रहा है, अब इतनी रासलीलाएं होती हैं गली गली में सब जानते हैं, या जितने बैठे हो सब जानते हो कृष्ण कंस को मारे कि नहीं जानते हो, वो भी सुनो अच्छी बात है, लेकिन है क्या इसको जानना और भी जरूरी? तो कभी कन्हैया की कृपा हो आप लोगों पर तो देखेंगे इस बिंदु पर। आज तो सीधे हम भागेंगे, आज तो बस चलने की कथा है, भगवान पूतना का उद्धार के प्रसंग ही चल रहा था ना।
गलत तो नहीं बोला हूं कुछ? गलत बोल भी दूं तो यशोदा कृष्ण को पाकर खुश हो गई थी। क्यों? कृष्ण सबके काल है, कृष्ण का कोई काल नहीं है। प्रसंग चल रहा था श्रोताओं भाव से, ठीक। नंद यशोदा का भाव कृष्ण को बालक ही समझे, यहीं से प्रसंग चला था। और इसी भाव पक्ष को, यहां का जो प्रसंग है, इसी भाव पक्ष को लेकर तुलसी जी रामचरितमानस में अंकित किए, जाकी रही भावना, वही प्रसंग है। और देखो पुराण तो बहुत है, पुराण बहुत है, लेकिन आप लोगों के कल्याण के लिए चार ग्रंथ ही प्रमुख हैं। बाकी पुराण तो बहुत, 18 पुराण है, ये चार ग्रंथ आपके कल्याण के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए। चार कौन कौन से, अब इनको ही बोलना पड़ेगा। तो पहला, जहां बैठे हो, किस कथा में बैठे हो आप लोग, अपने की भागवत जी की, अपनी कथा में भागवत जी? तो पहला ग्रंथ है भागवत, दूसरा है वाल्मीकि रामायण, तीसरा ग्रंथ कहा है जो कृष्ण के हृदय का उद्गार है, गीता, और चौथा ग्रंथ कहा गया है तुलसी जी की कृति रामचरितमानस। यही चार मानव मात्र के कल्याण के लिए, यही आपके जीवन की ग्रंथि खोलेंगे। तो चारों को पकड़ना जरूरी नहीं है, चार में से एक को पकड़ लो तो तीन अपने आप आ जाएंगे। जैसे एक चौकी के चार पाए होते हैं, एक को पकड़ लिए तीन अपने आप आ गए कि नहीं? एक को पकड़ लो। क्या सुंदर संगम कराया है, क्या मस्ती है। तो नंद यशोदा का भाव, यशोदा कृष्ण को गले लगा के रो पड़ी, लेके गई अंदर, बालक को दुग्धपान कराने लगी। जब हमारे गोविंद दुग्धपान करने लगे तब मैया को विश्वास हो गया मेरा लाला अब ठीक है। इतने बाबा नंद आए, ब्रजवासी आपस में चर्चा कर रहे थे, देखो प्रभु की कृपा से बालक तो बड़ा सुंदर आया, लेकिन 6 दिन में इतना बड़ा उपद्रव, इतना बड़ा नर्थ, इतनी बड़ी समस्या। भगवान के परम भक्त बाबानंद जब ग्वाल वालों से पूछे, कुछ नहीं बोले, भागे भागे अंदर गए। यशोदा कृष्ण को गले से लगा के रो रही थी, सारा प्रसंग बताई। बाबा सबसे पहले ब्राह्मणों को बुलाकर गोदान किए, गाय के पूंछ से कृष्ण के अंग को झाड़े हैं, गोखुर की रज माथे पर लगाए हैं। देखो कृष्ण की कृपा चाहिए, एक गाय की सेवा का संकल्प कर लो, एक गाय की सेवा। घर में नहीं रख सकते ना, हमने आप लोगों से कहा था, आप लोगों से 5 पाप चाहो या ना चाहो तो हो ही जाता है, बताया था ना एक दिन। बड़ा सरल उपाय है, गाय के नाम से 1 रोटी नित्य प्रति निकाल दो बस। पहली रोटी गाय की हो। बोले महाराज जब गाय नहीं मिले तो क्या करें? अरे श्रोताओ, बच्चों को खेलने ग्राउंड मत बनाओ, यहां आदत पता सबको मेरी ना, जो बच्चे लाए अपने अपने बैठा है शांत। स्वयं में सुनना नहीं, दूसरों का ध्यान भंग करना गलत बात है। क्या प्रसंग चल रहा था? गाय को रोटी आप नहीं खिला सकते, नहीं मान लो गाय, उसके गोग्रास के नाम पर उसका पैसा रख दो। कहीं गाय की सेवा हो रही हो, आप वहां जाओ और गोग्रास के नाम पर पैसा मत दो, उसके लिए खाने की जो व्यवस्था वो सामग्री दे दो वहां।
तब भी आपका कल्याण हो जाएगा। अरे पैसा तो आजकल सरल है, देखो मैं किसी की बुराई नहीं करता, चैनल में बोलूंगा किसी वक्ता को बुरा लग सकता है, यदि हम गौशाला के नाम पर लोगों से चंदा मांगेंगे, पैसा मांगेंगे, तो उसमें गौ सेवा कम होती, व्यापार ज्यादा होता है। और गौ सेवा के नाम पर यदि कोई कुछ मांगे, रकम आपसे निश्चित कर दे, और फिर यदि आप उस व्यक्ति को उतनी रकम दे दिए, तो देने वाला भी पाप का भागी होता है। गौ सेवा में दान तो करो, लेकिन उसमें कोई बंधन नहीं हो कितना करना है। गाय के लिए बंधा हुआ दान अपराध का सूचक है। ब्रज में रमेश बाबा जी हैं, बरसाना में जाके देखो, 60,000 गोवंश है, अपनी आंखों से देखो, 1 रुपए गोदान के नाम पर नहीं मांगते हैं। और गोदान के नाम पर कोई पैसा मांगे और फिर आपने दिया, तो ध्यान रखना उसमें पुण्य तो कम लोगे, अपराध ज्यादा लोगे। गाय के लिए इसकी आवश्यकता नहीं, गाय सारे जगत का भरण पोषण कर रही है, अपनी उदारता अपनी सामर्थ्य से दो, ना उसमें रसीद चाहिए ना नाम चाहिए, सेवा करो। गो सेवा में नाम नहीं चाहिए, सेवा बस। जितनी हमारी इच्छा होगी, जितना गो माता चाहेंगी, मैं तो ना करूं, किसी के कहने पर मुझे कुछ करना, और नहीं तो आजकल बड़ा सुंदर है, देखो एक तकनीक है आजकल, बर्तन बेचने वाले अपना बर्तन का जब व्यापार करते हैं तो अपनी तकनीक निकालते हैं, कपड़ा वाले कपड़ा करेंगे, मसाला वाले मसाला का, लकड़ी वाले लकड़ी का। उसी प्रकार हमको आश्रम बनाना, बिजनेस करना है, तो हम गौशाला का धंधा बना लेंगे कि आश्रम को बना लेंगे, कोई बना लेंगे, क्या दिक्कत है। आपसे हम 1 लाख रुपए ले लिए, अपनी आंखों से देखा हूं तभी से मुझे पीड़ा हुई है, एक संत को देखा, नाम नहीं लूंगा, 1 गाय का संकल्प 10 लोगों से करा दिए। अब गाय तो आश्रम में एक ही है, जो भी आया वही पूछ पकड़ा, 11,000 21,000 दिया चला गया, तो गाय कितनी बार बिकेगी, क्या मतलब उस संकल्प का, क्या मतलब उस दान का भाई, क्या 2-4 लाख की वो गाय है क्या। अब फिर गोग्रास के नाम पर, अब 1 गाय के नाम पर 10 लोगों से गोग्रास लिया, तो खाएगा कौन। देशे काले च पात्र च तद दानम सात्विकम स्मृतम। गीता कहती है दान 3 प्रकार का होता है, सात्विक राजसी और तामसी। सात्विक दान करने का प्रयास करो, गो सेवा खूब करो, जहां कहीं गायों की सेवा हो रही है खूब दान करो, बहुत अच्छा लगता है। कोई नाम नहीं, कोई रसीद नहीं, गाय के खाने की व्यवस्था करा दो। बाबा गोदान करते हैं, ब्रजवासी पुतना के अंग को काट कर जलाए, सर्वत्र सुगंधि फैली, जब सर्वत्र सुगंधि फैली कहते हैं महाराज ये तो शरीर में जहर लगा के आई थी, सुगंधि कैसे फैल गई। बोले दुर्गंधि तब तक थी जब तक कृष्ण का स्पर्श नहीं हुआ, कृष्ण का स्पर्श होने के बाद दुर्गंध रही नहीं। इसको भगवान किस नरक में भेजे हैं, बोले वो गति दिए हैं जो देवकी यशोदा को बाद में देंगे। सुखदेव जी गदगद हो गए, परीक्षित, कितना दयालु ये परमात्मा है, कितना दयालु ये कृष्ण है। बालघातनी राक्षसी पुतना को वो गति दिया है जो देवकी यशोदा को बाद में देगा। इसीलिए एक बात ध्यान रखना, पूतना को गति जो दिए ठीक है, लेकिन इस प्रसंग का यदि कोई रसपान करेंगे, रसपान करवाएंगे, तो कृष्ण वैसे कृपा करेंगे जैसे पूतना पर कृपा किए हैं। पूतना से ज्यादा अपराध तो हम लोगों के नहीं है ना बाबा, भगवान पूतना का उद्धार कर सकते हैं तो आप लोगों को ना करेंगे ऐसा नहीं है, बस विश्वास लेकर के चलना। भगवान सुखदेव कहते हैं ये तत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम् श्रृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम्। जो इस प्रसंग का रसपान करेंगे श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ, उन पर कृपा होगी।
ये पूतना क्या है? अविद्या, माया। कंस को पता लगा पूतना मारी गई। इसके बाद हमारे प्रभु शक्टासुर का उद्धार किए। कन्हैया जी 3 महीने के हुए, करवट लिए, ब्रज में एक एक लीला का उत्सव मनाया गया है कन्हैया। लेकिन यशोदा बालकृष्ण का श्रृंगार कर शकट के नीचे कपड़े का झूला बनाकर लिटा दी। क्यों? अरे पता नहीं किसकी कैसी नजर है। अच्छा, कई बार माताएं क्या करती, छोटा बालक हो ना तो उसको सुंदर सजा करके काला टीका भी काजल का लगाती कि नहीं, पता नहीं किसकी कैसी नजर नजर लग जाए। लेकिन जो कृष्ण स्वयं में काला कलूटा उसको नजर क्या लगेगी? कन्हैया कैसा है? काला कलूटा है। अच्छा, मजे की बात यह है कि काला रंग होता बड़ा बेकार है कि नहीं? किसी का स्वरूप थोड़ा सा सांवला हो तो बेकार तो होता है। यहां सब कह देंगे अच्छा होता है, पर किसी का स्वरूप थोड़ा सा सांवला हो तो सफेद दिखने के लिए चेहरे पर क्या मलते रहते हैं, बोलो क्या मलते हैं? भगवान कृष्ण एक तो काला कलूटा स्वरूप कृष्ण का, मैया श्रृंगार की, सूरमा लगा दी। अच्छा, ब्रजवासियों की एक और विशेषता है, जो ब्रज के रसिक लोग हैं ना, अपने आंखों में सूरमा जरूर लगाते हैं। क्या भाई, सही है ना? ब्रजवासी लोग सूरमा लगाते हैं, और ब्रजवासी कभी अपनी उम्र नहीं बताते। आप ब्रजवासी से पूछे आपकी उम्र कितनी, बिगड़ जाएंगे, नहीं बताते। एक ब्रजवासी संत थे, अब तो शरीर छोड़ दिए, एक बार ऐसे हंसते हंसते हमने कहा गुरुदेव चरण दबा रहे थे, आपकी अवस्था कितनी होगी? बिगड़ गए, क्या करेंगे जान के? हमने कहा गुरुदेव गलती हो गई। और लगभग उनकी अवस्था 80 से ऊपर रही होगी, तब भी वो सूरमा लगाते थे आपको। ये ब्रजवासियों की विलक्षणता है। कन्हैया का श्रृंगार कर शकट के नीचे हटा दिए और ऊपर मक्खन मिश्री मटकी। कृष्ण को आक्रोश आ गया, कृष्ण रस से बड़ा भी कोई रस होता है क्या? भगवान योग माया को आदेश दिए, जाओ मामा जी की बुद्धि घुमाओ। जब मामा जी की बुद्धि घुमाए तो वहां शक्टासुर को भेजा गया। शक्टासुर आकर के देखता है यत्र तत्र, शकट के नीचे कृष्ण दिखाई पड़े। ओ तो बड़ा सुंदर स्वरूप है, यही मेरे मालिक का काल होगा, महाराज का काल यही है। उस पर सवार होकर दबाने का प्रयास किए, हमारे प्रभु धीरे दोनों पैर ऐसे उछाल दिए, राक्षस के सहित सब चकनाचूर हो गया। बाबा घबरा गए, ब्रजवासी डर गए। बाबा ने पूछा किसकी करतूत है? बाबा क्या बताऊं, यहां तो कोई और नहीं दिखा, आपके लाला जी पता नहीं कैसे धीरे से ऐसे पैर उछाले। और अरे लाला तो मेरा इतना छोटा है। बोले है तो छोटा लेकिन है बड़ा। बड़ा सुंदर उत्तर है, खोटा सिक्का किसी काम का नहीं होता, और कन्हैया किसी काम का नहीं इसलिए खोटा। क्या लोगों का दृष्टांत रहता है, क्या उदाहरण है। बोले बड़ा खोटा, और एक तरफ कहते हैं खोटा किसा सिक्का किसी काम का नहीं, कि काम का होता है, बोलो नहीं। पर ये भी सही है, जो काम का नहीं होता वो राम का होता, कल इसी पर बोला था मैं, याद है ना? कल थोड़ा चर्चा किया था इस पर, कि जो एक काम का होता है एक भगवान कृष्ण की ये लीला है। बाबा कन्हैया को लेके गए, ब्राह्मणों को बुलाकर दान पुण्य करवाते हैं। 1 वर्ष के प्रभु हुए, देवियां जो आकाश में वो कृष्ण का सामीप्य पाने के लिए रोने लगी। प्रभु आपका स्पर्श चाहिए। प्रभु ने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं व्योम विहार की लीला करता हूं। भगवान व्योम विहार की लीला का नाटक किए। व्योम विहार की लीला का नाटक कैसे? रोने लगे। जब रोने लगे तो मैया कन्हैया को ऐसे, जब बच्चा रोने लगे छोटा ना, तो माताएं ऐसे गोद में उछालती हैं। जब कृष्ण को उछालें तो वो मुस्कुराने लगे कि चलो ऊपर आ रहे हैं हमारे पास देवियां, और जब नीचे आ जाए तो वो रोने लगे तो ये रोने लगे।
आप कब तक ऐसे करते रहे भैया? अच्छा बालक जब रोना बंद ना करे तो माताएं क्या करते हैं? फिर दुग्धपान कराने लगती तो बालक चुप। अब कन्हैया को चुप कराने के लिए मैया दुग्धपान कराने लगी। यहां भगवान योग माया को आदेश दिए, मामा जी के बुद्धि घुमाओ, तृणावर्त को भेजे। व्योम विहार की लीला तो करनी है। यहां सुखदेव जी कहते हैं क्या, एकदारो हमारूढ़ लालयंती सुतम सती गरिमाणम शिशोर वोढ़ नशे गिरकूट मैया कन्हैया को गोद में लेकर दुग्धपान करा रही। अच्छा बालक जब दुग्धपान करता है ना तो मां कभी चरण चूमती है कभी सिर चूमती है आंचल से ढके। इतने में तृणावर्त चल पड़ा भयानक तूफान के रूप में। जब भयानक तूफान आए तो आंख अपने आप बंद हो जाती है। तृणावर्त रजोगुण का स्वरूप होता है महाराज। भयानक तूफान ब्रजवासियों की आंख बंद। कन्हैया सोचे ये तो मामा जी आ रहे हैं मुझे लेने के लिए, पर मेरे से तो मैया को उठाए मेरा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन मैया का राम नाम सत्य हो जाए। भगवान अपना खेल दिखाए मैया को, कैसा स्वरूप का वजन बढ़ा दिया। मैया को लगा कोई चट्टान है, कृष्ण को नीचे कर दी, भगवान डाले माया चली गई अंदर। तृणावर्त आए कन्हैया को लेकर चले गए गोकुल के बाहर। तृणावर्त जब गए तो यहां सब है कृष्ण नहीं, कृष्ण को यत्र तत्र खोज रहे, यशोदा को कोस रहे। भगवान पहुंच गए देवलोक, देवांगनाओं के साथ व्योम विहार की लीला की। इसके बाद कहते हैं मामा जी आप यात्रा करवाए कुछ किराया वराया? जब प्लेन में बैठो तो टिकट कटवानी पड़ती है कि फ्री यात्रा होती कैसे होती? मुझे पता ही नहीं, पैसा लगता है फ्री होता कैसे? फ्री होता है ना, पैसा तो नहीं लगता होगा। ये पता नहीं आप लोग जानो, इसलिए कि बाबा मैं फ्री में तो गया हूं, मेरे पास टिकट तो आ जाती है, क्या जानू ये पैसा दे के बनवाते कैसे। यहां तो मेरा कन्हैया मेरी राधे है, सब कुछ करते रहते, मुझे कुछ करने नहीं। हमने आपसे कल कहा था ना, नाहल चलन चले कुदारी बैठे भोजन दे मुरारी। या तो न खाने की चिंता, न पहनने के लिए, चलने के न सोने की, सारी व्यवस्था वो कर रहा है। राधे है क्या करना हमको, हमारा विषय ही नहीं। भगवान ने कहा मामा जी यात्रा करवाए कुछ तो ले लो। तृणावर्त कहता मैं लेता नहीं देता हूं। भगवान ने कहा बड़ी समस्या है, दोनों दानी मिल गए, मैं भी देता हूं और आप भी देते हो, एक तो लेने वाला होना चाहिए। नहीं मैं देता हूं। तो कन्हैया ने कहा अच्छा लाओ दो, पकड़े कंठ, लाओ अपना प्राण दो। प्राण का दान तो जल्दी कोई दे नहीं सकता। कंठ दबाया तड़फड़ाया, नंद भवन के बाहर एक शिला मिला के भगवान उसका उद्धार कर दिए। गर्जना सुन के दौड़े ब्रजवासी, एक विकराल राक्षस पड़ा है। अब तो नंद यशोदा बाल कृष्ण को पाकर भावुक हो गए। ब्राह्मणों को बुलाए, ब्राह्मणों की बड़ी मौज, कोई समस्या है खूब आए चकाचक, पूजन पाठ कराए, अभिषेक जब तब किए चले गए। अच्छा ब्राह्मण को जब खूब चकाचक खिला दो, ब्राह्मण बोलते चकाचक है गयो, तो समझ जाना ये खा पी के अब संतुष्ट हो गया है। जब तक चकाचक ना निकले, क्यों भाई शास्त्री लोग हमारे बैठे हैं चकाचक वाले सब तो कन्हैया को पाकर नंद यशोदा भयभीत। इतने में पहुंच गए भगवान शंकर, बालकृष्ण प्रभु का दर्शन करने के लिए भगवान शंकर आ गए। जैसे भगवान शंकर पहुंचे द्वार पर आवाज लगाते हैं, अलख निरंजन। क्या हो गया भाई, कुछ देवियां डर गई ऐसे? चलो कोई बात नहीं। जैसे अलख निरंजन की आवाज आई मैया सोची अब कौन आ गया, देखी द्वार में एक बाबा खड़ा है। अरे बाबा क्या चाहिए? मैया मैं तो भिक्षा लेने आया हूं, हीरा जवाहरात लेकर के आई।
बोले कंकड़ पत्थर अपने पास संभाल के रख भैया, मुझे नहीं चाहिए, अपने लाला का दर्शन करवा दे। मैया डर गई, तीन तीन बार उपद्रव हुआ है, कोई राक्षसी स्वरूप में आ गया हो तो क्या पता। मैया भयभीत हो गई, बाबा आपको ये लेना हो तो लो, लाला तो मेरा सो रहा है। भगवान शंकर ने कहा मैया कंकड़ पत्थर अपने पास संभाल कर रख, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन झूठ क्यों बोल रहे हैं आप, आपके लाला जी सो नहीं सकते हैं। जिस दिन आपके लाला जी सोएंगे तो सारा संसार सो जाएगा। भगवान शंकर दर्शन की जिद किए, क्यों कन्हैया दी, आप दर्शन नहीं दिए तो आपका ये अवतार कलंकित हो जाएगा। कृष्ण अवतार तो मुक्ति का खुला हुआ द्वार है। भगवान शंकर कृष्ण दर्शन के लिए ब्रज की गलियों में विचरण करते हैं, कैसे करते हैं आइए भजन के माध्यम से थोड़ा इसका भी आनंद लें। वृंदावन की गलियों में घूमे जोगी मतवाला, वृंदावन की गलियों में घूमे जोगी मतवाला, आज वृंदावन की गलियों में घूमे योगी मतवाला, आज वृंदावन की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। निरंजन खापता है देखो गो तेरो लाला, निरंजन खड़ा पुकारे देखो गो तेरो लाला, आज वृंदावन की गलियों में घूमे योगी मतवाला, आज वृंदावन की गलियों में घूमे योगी मतवाला। भूत रमाए जोगी बाघंबर खट में सोए, अंग भूत रमाए जोगी बाघंबर खट में सोए, राजूत में गंग विराजे भक्त जनों के मन मोहे, राजूत में गंग विराजे भक्त जनों के मन मोहे, राजूत में गंग विराजे भक्त जनों के मन मोहे, मस्तक पे श्री चंद्र विराजे, मस्तक पे श्री चंद्र विराजे, गलन सर्पों की माला, पे श्री चंद्र विराजे सर्पों की माला, आज वृंदावन की गलियों में घूमे योगी मतवाला, आज वृंदावन की गलियों में घूमे योगी मतवाला।
डमरू त्रिशूल लिए चमक चमा चम नाचे योगी भ्रष्ट मन में चाल लिए चमक चमा चम नाचे योगी भ्रष्ट मन में चाह लिए चमक चमा चम नाचे योगी भ्रष्ट मन में चाह लिए पग में घुंघरू पग में घुंघरू चम चम नाचे करनी चपके माला पग में घुंघरू चम चम बजे करनी चपके है माला आज वृंदावन की गलियों में घूमे योगी मतवाला आज वृंदावन की गलियों में घूमे योगी मतवाला लाखटावो ना पाओ एक दो तेरो लाला लाखटाओ पर ना पाओ एक दो तेरो लाला आज वृंदावन की गलियों में घूमे योगी मतवाला आज वृंदावन की गलियों में घूमे योगी मतवाला निरंजन खड़ा पुकारे देखो दो तेरो लाला अलक निरंजन खड़ा पुकारे देखो दो तेरो लाला यशोदा द्वार पे आई अपने लाल को गोद लिए मातु यशोदा द्वार पे आई अपने लाल को गोद लिए भोर होश योगी ने बाल रूप के भरच दिए भोर होश योगी ने बाल रूप के रच दिए भोर होश योगी ने बाल रूप के भरच दिए चलो सुमरते चलो सुमरते कृष्ण नाम लो कैलाशी गंगरू वाला चल सुमरते कृष्ण नाम को कैलाशी गंगरू वाला आज वृंदावन की गलियों में घूमे योगी मतवाला आज वृंदावन की गलियों में घूमे योगी मतवाला निरंजन खड़ा पुकार निरंजन खड़ा पुकारे देखो तेरो लाला ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय
शिवा हरि ओम नमः शिवाय 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 भोले आज वृंदावन की गलियों में घूम योगी मतवाला वृंदावन की गलियों में घूम योगी मतवाला भगवान शंकर ब्रज की गलियों में विचरण किए। जब दर्शन नहीं मिला तो यमुना के तट पर बैठकर रोने लगे। क्यों? हमारा प्रभु भक्त का जब आंसू देखता है ना, द्रवित तो हो जाता है। प्रभु को प्रसन्न करना है तो प्रेमाश्रु, लेकिन प्रेमाश्रु जो गिरे बनावटी नहीं, हृदय क्यों हो। कई बार लोग बड़ा अच्छा अनुभव कर लेते हैं, ये रोने का नाटक नहीं हो, हृदय से आपके आए। अभी कृष्ण के लिए आंसू गिराए हो, मेरी राधे के लिए आंसू निकला है तो आंसू व्यर्थ नहीं जाएगा, वो निरर्थक नहीं जाता है, वो आंसू अपना कार्य करता है। भगवान शंकर इतना रोए कि कृष्ण भी रो पड़े। जब भक्त रोता है तो भगवान रोता है। मैया बहुत परेशान हुई, अनेक प्रकार से उपाय किए लेकिन इनका रोना धोना बंद ही नहीं हुआ। प्रभु अपनी माया डाले, सांडिल ऋषि का आगमन हुआ। पूजन पाठ जब तक प्रभु अपनी माया दिखा दिए, देखो जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक हम लोग उस चीज को समझ भी नहीं पाएंगे। हम और अब ज्यादा ज्यादा क्या करेंगे, जो ग्रंथों में पढ़ लिए सुन लिए, कोई सुना लिया भाई आपको मां के सुना देंगे। ग्रंथों का पढ़कर या किसी संत का सुनकर सुना देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्वयं के अनुभव से, स्वयं के उद्गम से भीग कर अब फिर लोगों को भिगाना, ये और अच्छी बात होती है। आप कुछ बोले, हम डायरी लेके लिख लिए, रख लिए, पढ़ के बोल दिए, चले गए, क्या मतलब? आपके हृदय का उद्गम क्या है उसको निकालो, उससे प्रकट करो। प्रभु कृपा करते हैं। सांडिल्य ऋषि ने कहा, मैया आपके द्वारा किसी संत का अपमान तो नहीं हुआ? गुरुदेव, एक बाबा तो आया था, तो आपने क्या किया? मैं तो किवाड़ बंद कर ली, वो लाला के दर्शन की जिद कर रहा था। बोले जब तक वो दर्शन नहीं करेगा इसका रोना बंद नहीं होगा। बोले बाबाओं का क्या भरोसा, आज यहां तो कल वहां? बोले नहीं, वो तो बैठा है यमुना के तट पर अपने प्रियतम के लिए बैठा रो रहा है, वो अपने प्रियतम को छोड़ कर नहीं जा सकता। मैया दूर तो आपकी हो, समाज कोई कितने शरीर से दूर कर दे लेकिन यहां से तो कोई दूर नहीं करता ना। मैया किवाड़ बंद कर ली ठीक है, लेकिन हृदय का कपाट तो नहीं बनता। यहां यदि वो विराजमान है तो यहां से कोई छीन नहीं सकता। Oh, oh, oh.